नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट। आपका अपना प्लॉट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का है, यानी प्लॉट के नॉर्थ में भी गली लगती है और ईस्ट में भी गली लगती है। ऐसे में आपको अपनी बिल्डिंग किस एरिया में बनानी चाहिए। आपके प्लॉट का साइज़ बड़ा है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको तीनों साइड ओपन एरिया रख के बिल्डिंग को बनाना चाहिए। यानी कि आपके प्लॉट का साइज़ बड़ा है तो आपको साउथ के भाग में भी ओपन एरिया रखना है, ईस्ट के भाग में भी ओपन एरिया रखना है और नॉर्थ के भाग में भी ओपन एरिया रखना है। जो आपकी अपनी बनी बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी वेस्ट जोन पर, वेस्ट वॉल पर आ जाती है। आपके प्लॉट का साइज छोटा है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने प्लॉट में जो बिल्डिंग बनाएं वो ईस्ट की दीवार तक कंप्लीट, यानी आपके प्लॉट के नॉर्थ के भाग में भी ओपन एरिया हो जाएगा और साउथ के भाग में भी ओपन एरिया हो जाएगा। ऐसे में नॉर्थ का जो ओपन एरिया है, यानी उत्तर दिशा का जो ओपन एरिया है वो आपने ज़्यादा रखना है और दक्षिण दिशा का जो ओपन एरिया है वो आपने कम रखना है। इसी के साथ आपको जो फर्श की ढलान है वो कैसे करनी चाहिए। जो आपका ओपन एरिया है उसमें साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर और फिर साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने फर्श की ढलान करनी है, स्लोप करना है। ऐसे में आपको जो अपना मेन गेट बनाना है, मेन गेट आपने नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल पर आपने अपना मेन गेट बनाना है। जो मैंने आपको फर्श की ढलान बताई है, फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आनी चाहिए। आपके बिल्डिंग की जो छत बनेगी उसमें भी आपने छत की जो ढलान करनी है वो ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आपने लेकर आनी है। इसमें आपने जो खिड़कियां और दरवाजे रखने हैं नॉर्थ की दीवार पर और ईस्ट की दीवार पर, आपने सबसे ज़्यादा खिड़कियां और दरवाजे रखने हैं। और जो आपकी साउथ की दीवार है, साउथ की दीवार पर आपने साउथ वेस्ट कोने में लगभग 6 से 7 फीट का एरिया बिल्कुल सॉलिड रखना है। यहाँ पर कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं लगाना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब आप अपनी बिल्डिंग को बनाने चालू करें तो उसमें जो आपका साउथ का भाग है, जो साउथ का ओपन एरिया का फर्श है, वो आपने सबसे पहले ऊंचा करना है। फर्श ऊंचा करने से आपको बिल्डिंग बनाने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जो बातें मैंने आपको बताई है आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं तो आपको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के आपकी बिल्डिंग समय पे पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपके यहाँ ड्रेनेज पाइप बाहर निकलनी चाहिए वो आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग से बाहर निकलनी चाहिए। आपके यहाँ सीवर लाइन नॉर्थ की ओर है तो आप इसमें मिलाएं, आपके यहाँ सीवर लाइन साउथ ईस्ट की ओर है तो उसमें आप इस लाइन को मिला सकते हैं। आप अपने घर की जो ड्रेनेज है उसका सारा पानी नॉर्थ ईस्ट की ओर डालेंगे तो इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ज़रूर मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।